हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो हम फिर से हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज में वापस आ चुके हैं और हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि प्रायोरिटीज रूल असाइन करके हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एफ कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब हमको पता चल गया है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। किस तरह से रोटेट करेगा? तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करते हुए भी थ्योरेटिकल वे से पता चल सकता है कि कोई भी मॉलिक्यूल किस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल गया कि अगर एफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, एफ कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ एनीथिंग, यू कैन फाइंड आउट हाउ द मॉलिक्यूल इज विल रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसे रोटेट करेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो आरएफ कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते वक्त हमने वेज डैश फॉर्मूला का यूज किया था। वेज डैश फॉर्मूला यानी क्या? एक कार्बन निकाला था, दो मॉलिक्यूल्स प्लेन में निकाले थे, ए और बी। ओके, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो हमने कायरल मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करने के लिए ये वेज डैश फॉर्मूला का यूज किया था और इसमें ही हमने आरएफ कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना सीख लिया था। अब हमको ये लेक्चर में देखना है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, हेडिंग डालिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस लिए उसके किया जाता है? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब आपको टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअली तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उनका, फिर हमको उनको टू डी में रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमने पहला प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखा था उनका, वेज डैश फॉर्मूला, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम देखना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में देखिए क्या होता है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में दो लाइंस प्रेजेंट होती है और ये जो दो लाइंस है ये एक में को इंटरसेक्ट करती है। एक होती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे एटम बता देता हूं। यहां पे मैं बताऊं ए बी सी और डी, और ये जो इंटरसेक्शन है ये क्या बताता है? ये बताता है कायरल, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, यानी ऐसा सेंटर जहां को, जहां पे चार डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? तो कायरल कार्बन बोलते हैं। ओके, और ये दोनों का इंटरसेक्शन वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का जहां होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कायरल कार्बन रिप्रेजेंट करता है। अब हमको समझना होगा हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको बायोमोलिक्यूल्स की यूनिट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में इसका आपको 100% अप्लीकेशन आएगा जब हम ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं बराबर। ठीक है, अब देखो क्या लिखता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन,
इंटरसेप्ट एट दैट पॉइंट द पॉइंट रिप्रेजेंट कायरल कार्बन। तो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कायरल कार्बन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो जो ग्रुप वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है, देखो वर्टिकल लाइन पे कौन प्रेजेंट है, ए और बी, ओके। वर्टिकल लाइन पे होना जो एटम्स प्रेजेंट है वो हमेशा बिलो द प्लेन होते हैं, वो क्या होते हैं हमेशा बिलो द प्लेन। और बिलो द प्लेन हम वेज डैश में कैसे रिप्रेजेंट किया था, तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ए और बी जो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है वो हमेशा क्या रहते हैं, तो बिलो द प्लेन। तो यहां देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सेकेंड पॉइंट द ग्रुप द एटम्स आर अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन इज बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन या फिर और उसको हम कह सकते हैं और अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, वो क्या है अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है यानी सी और डी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है ये हमेशा अबव द प्लेन होते हैं। ये क्या होते हैं, तो हमेशा अबव द प्लेन होते हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ग्रुप और आइटम रिप्रेजेंट करती है वो जो क्या है अबव द प्लेन है। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट एटम्स दैट आर प्रेजेंट अबव द प्लेन, और उसको हम कहेंगे कमिंग टूवर्ड्स द व्यूअर। तो इसे नोट डाउन करके रखिए ताकि हमको समझ में आए आगे जाके कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब आपको टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है, देखो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कायरल कार्बन रिप्रेजेंट करता है। ए और बी पे कौन से मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रेजेंट है, जो बिलो द प्लेन है, देखो वर्टिकल लाइन पे कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो बिलो द प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन से प्रेजेंट है, जो अबव द प्लेन है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम इन द प्लेन कंसिडर नहीं करते, एक तो बिलो द प्लेन और एक तो अबाउट द प्लेन। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम दो तीन मॉलिक्यूल्स का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करके देखेंगे और उसमें भी हम आरएस नॉमिनक्लेचर असाइन करना सीखेंगे। तो इसको लिख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना सीख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बायो मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में ये बहुत ज्यादा आपको काम में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक स्ट्रक्चर है, इसका मुझे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना है। इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना है यानी आपको दो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके। अब देखो, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। और हमको पता है ये कार्बन कायरल है क्योंकि इसको एक दो तीन चार चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो ये हो गया आपका कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन एटम, ओके। और हमको पता है कि हमारा जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो कायरल कार्बन। तो मैंने कायरल कार्बन तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब मैं बाकी के ग्रुप रिप्रेजेंट करता हूं। देखो यहां पे मैं OH लिखता हूं, ओके, यहां पे मैं H लिखता हूं, यहां पे मैं NH2 लिखता हूं, और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, तो देखो CH3 लिखता हूं, ओके। अब क्या हो रहा है, अब हम देखेंगे कि हम इनको
प्रायोरिटीज असाइन करेंगे। अब हमको पता है प्रायोरिटीज किस तरह से असाइन की जाती है, प्रायोरिटीज का रूल क्या है, रूल नंबर वन क्या कहता है। रूल नंबर वन कहता है कि जो ग्रुप का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी दे। देखो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इसको फर्स्ट, उसके से कम है नाइट्रोजन तो इसको सेकेंड, इसको मैं देता हूं थर्ड, और हाइड्रोजन जो है वो हमारी कौन सी प्रायोरिटी है, तो फोर्थ प्रायोरिटी है। ओके तो प्रायोरिटीज तो मैंने असाइन कर दी है। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटीज को हमको ढकना होगा और देखना होगा कि हमारी आय कैसे रोटेट हो रही है। तो हमारी आय देखो कैसे रोटेट हो रही है, तो हमारी आय एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है इसका मतलब कि वो कौन सा कॉन्फिग्रेशन होता है हमेशा, तो वो हमेशा एफ कॉन्फिग्रेशन होता है। लेकिन 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 यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कौन से आइटम को रिप्रेजेंट करती है, जो अबाउट द प्लेन आ रही है। इसका मतलब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये अबाउट द प्लेन है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट है, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, अबाउट द प्लेन है। और मैंने कहा था जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबाउट द प्लेन या फिर कमिंग टूवर्ड्स अगर व्यूअर होगा तो एस का आर होता है, आर का क्या होता है, एस। तो यहाँ पे अगर आपकी आय एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबाउट द प्लेन प्रेजेंट है, इसके वजह से इसका कौन सा कॉन्फिग्रेशन होता है, तो आर कॉन्फिग्रेशन होता है। कौन सा कॉन्फिग्रेशन होता है, तो आर कॉन्फिग्रेशन होता है। ओके अब देखते हैं हम नेक्स्ट। फिर से ये कायरल कार्बन एटम है। ओके ये कायरल सेंटर है क्योंकि इसको चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अब मैं दो लाइन ड्रॉ करता हूं और उनके इंटरसेक्शन को हम कहते हैं कार्बन एटम। तो ये हो गया हमारा कायरल सेंटर। ओके अब इनका मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर रहा हूं। यहां देखो यहां लिख रहा हूं मैं OH, यहां दिख रहा हूं मैं NH2, यहां लिख रहा हूं मैं CH3, और यहां लिख रहा हूं मैं H। ओके तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रायोरिटी रूल, रूल नंबर वन क्या कहता है कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमको हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो देखो ऑक्सीजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी, उससे कम इसको नाइट्रोजन को, इससे कम कार्बन को, और उससे कम हाइड्रोजन को मैंने प्रायोरिटीज असाइन कर दी है। अब देखो मेरी आय कैसी रोटेट हो रही है, तो मेरी आय ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एफ कॉन्फिग्रेशन। और लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप देखो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, बिलो द प्लेन। और बिलो द प्लेन अगर प्रायोरिटी हमारी हमारी जो प्रायोरिटी है लोएस्ट प्रायोरिटी अगर होंगी तो कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं। तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी ये कौन सा कॉन्फिग्रेशन हो गया हमारा, एस कॉन्फिग्रेशन। ये कौन सा कॉन्फिग्रेशन हो गया हमारा, एस कॉन्फिग्रेशन। आगे बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब इसका मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले दो लाइंस ड्रॉ कर लूंगा। ओके मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर ली। अब दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कायरल सेंटर। ये देखो ये कायरल सेंटर है क्योंकि इसको चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ओके तो मैं यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर लेता हूँ। ऊपर एफ है, एच NH2 और OH, ठीक है। अब मैंने इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर दिया। अब मैं मेरा रूल नंबर वन यूज करूंगा प्रायोरिटीज का। फ्लोरीन हैज हायर प्रायोरिटी, इसको देता हूं वन। ऑक्सीजन लोएस्ट, सेकेंड उससे कम नाइट्रोजन, और सबसे कम हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मैंने इनको प्रायोरिटीज असाइन कर दी। अब हमको फोर्थ प्रायोरिटी के बारे में भी सोचना नहीं है। हमारे आय देखो कैसे रोटेट हो रहा है, तो ये देखो ये कैसे रोटेट हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट होगा तो वो कौन सा कॉन्फिग्रेशन रहता है, नहीं हमेशा तो एफ कॉन्फिग्रेशन रहता है। लेकिन लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आ गया। देखो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो वो क्या है, हमेशा अबाउट द प्लेन। और लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अगर अबाउट द प्लेन आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका एस का आर होता है। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबाउट द प्लेन चला गया, तो ये कौन सा कॉन्फिग्रेशन हो गया, तो आर कॉन्फिग्रेशन हो गया। कौन सा कॉन्फिग्रेशन हो गया, आर कॉन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम की तरफ देखिए, अब मैं यहां नीचे निकालता हूं। देखो
पहले कायरल सेंटर ड्रॉ कर लेता हूँ। कायरल सेंटर कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इंटरसेक्शन से देखो, ये कायरल सेंटर है, इसको चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया आपका कायरल सेंटर। अब देखो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फ्लोरीन, NH2, H और OH। अब अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर वन, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, ओके, और इसको हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी। अब देखो आपका आई कैसे रोटेट हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एफ कॉन्फिग्रेशन होता है, और हमारा हाइड्रोजन है ये जो है ये बिलो द प्लेन है, क्योंकि हमको पता है जो हमारी जो वर्टिकल लाइन है ये कौन से मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कौन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो बिलो द प्लेन होते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉन्फिग्रेशन हो गया आपका, तो एस कॉन्फिग्रेशन हो गया। ये कौन सा कॉन्फिग्रेशन हो गया आपका, तो एस कॉन्फिग्रेशन हो गया। तो इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करके वहां पे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करके वहां पे हम आरएफ कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आरएफ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से असाइन किया जाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के यूनिट में, मैं फिर से कह रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स के यूनिट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से इस लेक्चर को रिवाइंड करके देख लीजिए, लेकिन ये आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल है, और स्टेट बोर्ड में जब बायोमोलिक्यूल्स की यूनिट में ये जाता है तब भी इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए बराबर से। हम हमारे आगे के लेक्चर में देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट आई ऑप्टिकल आइसोमर्स इन विद इन अ सेकेंड, ठीक है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।